हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा शाओमी 12 प्रो फ़ोन है, तो शाओमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं शाओमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे। तो जो हमारा सेटिंग्स आइकन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो भी आपका टच होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है उसको सेट कैसे करेंगे, तो आपको स्लाइड करना है। यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग्स आ जाएगी, तो इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। तो ये डेट एंड टाइमिंग की सेटिंग्स ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। सिंपली आप टाइमिंग पे जाएंगे, जो भी टाइमिंग पर आप सेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, AM एंड PM भी कर सकते हैं। एंड स्लाइडिंग करके आप इस तरीके से जो भी टाइमिंग चेंज करना चाहें या सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और ओके कर देंगे जो आपके फ़ोन का टाइमिंग है सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं अपने Xiaomi फ़ोन में, या फिर आप ऑटोमेटिकली टाइमिंग को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको ऑन कर देंगे, जो टाइमिंग आपका ऑटोमेटिकली आपके होम स्क्रीन में सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली शो करेगा। और ऑफ़ कर देते हैं तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। और देखते हैं कि डेट वगैरह भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं Xiaomi फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।